नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा हर तरीके से खुद को मजबूत करना चाहती है और इस कड़ी में सोशल मीडिया पर भी अपनी पकड़ पहले से और अधिक मजबूत करने की रणनीति बना रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव में सोशल मीडिया को अपना एक बड़ा हथियार बनाया था। आपको बता दें कि जो मोदी लहर 2014 में चली थी उस पर सोशल मीडिया की एक अहम भूमिका थी, लेकिन अब भाजपा की देखा देखी विरोधी दलों ने भी अपनी सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ा दी। आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और राहुल गांधी की किस तरीके के बयान और उनकी जो वीडियो है वो वायरल किए गए। वहीं राजनीतिक दलों ने चुनाव से इतर भी सोशल मीडिया का नियमित वॉर रूम बना रखा है। विपक्ष की यह सक्रियता देखते हुए भाजपा ने अब खुद को और मजबूत करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया और अपना कुनबा फिर से बढ़ाने की योजना है। मिशन 2024 में पार्टी सोशल मीडिया की पिच पर अब और आक्रामक दिखने वाली है। बता दें कि आगामी 27 अगस्त को पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष लखनऊ आ रहे हैं और पार्टी ने इस दिन प्रदेश स्तरीय कार्यशाला लखनऊ में आयोजित की है। उसमें हर लोकसभा क्षेत्र के सोशल मीडिया संयोजक और सह संयोजक को बुलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हर संगठनात्मक मंडल पर 5-5 लोगों की सोशल मीडिया टीम बनाई है। रणनीति के तहत भाजपा हर जिले में नए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को चिन्हित कर रही है और हर लोकसभा क्षेत्र में करीब 200 लोगों की सोशल मीडिया टीम तैयार की जा रही है। बता दें कि भाजपा ने रणनीति के तहत राजनीतिक लोगों से हटकर भी अन्य लोगों को अपने सोशल मीडिया का हिस्सा बनाने की कवायद शुरू की थी। पार्टी की कोशिश है कि सिर्फ भाजपा कार्यकर्ता ही नहीं, जो लोग स्वतंत्र रूप से सोशल मीडिया पर सक्रिय होते हैं उनको इसका हिस्सा बनाना चाहिए। पार्टी ने मोटे अनाज के फायदे और सरकार द्वारा इसकी पहल को समझाने के लिए फूड ब्लॉगर्स को अपने साथ जोड़ने की रणनीति बनाई। सुना आपने, भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ साथ फूड ब्लॉगर्स को भी अपने साथ जोड़ने की रणनीति बना रही है। तो वहीं नए स्टार्टअप और नई आर्थिक नीतियों के बारे में लिखने के लिए आर्थिक क्षेत्र पर सोशल मीडिया में लिखने वाले लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और पूरी तरीके से एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाने की तैयारी कर रही है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लेकर के फूड ब्लॉगर तक जोड़ने की तैयारियां की जा रही हैं। गौरतलब है कि इस बार सभी राजनीतिक पार्टियां सोशल मीडिया पर आक्रामक दिखेंगी। विपक्ष सोशल मीडिया पर एक्टिव हुआ तो भाजपा भी सोशल मीडिया को लेकर इस बार नई रणनीति बना रही, लेकिन सत्ता का ताज किसके सर पर सजेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करिएगा। धन्यवाद।